पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी हरियाणा के नूह की तरह दंगे कराने की योजना मध्य प्रदेश में बना रही है। अब दिग्विजय सिंह के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सियासत का सिर्फ इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। कांग्रेस दंगों का डर दिखाकर मुसलमानों को संगठित करती है और हिंदुओं को जातियों में बांटती है। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में दंगे कराने का पैटेंट ले रखा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीजेपी के दंगा कराने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की राजनीति को पूरा देश जानता है। अल्पसंख्यकों को दंगे का डर दिखाकर संगठित करती है कांग्रेस और हिंदुओं को जातियों में बांटकर बिखराव पैदा करती है। दिग्विजय सिंह ने दंगे कराने का पेटेंट ही करवा लिया है। दिग्विजय सिंह सिर्फ लोगों को उकसाते हैं। वहीं कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के शामिल नहीं होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये कमलनाथ की चक्की है। जो कमलनाथ को पसंद नहीं है वो कांग्रेस की औपचारिक बैठकों से गायब होता दिखेगा। अजय सिंह वरिष्ठ नेता है लेकिन कमलनाथ उनको पसंद नहीं करते। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलवाना है और मातम भी मनाना है। पूरा देश जानता है कांग्रेस की इस राजनीति को कि अल्पसंख्यकों को दंगे का डर दिखा करके संगठित करो, वोट लो और हिंदुओं को जातियों में बांट करके बिखराव पैदा करो। ये कांग्रेस की मूल राजनीति है जिसको देख समझ रहा है। और दिग्विजय सिंह ने तो जैसे दंगा करने का पेटेंट ही करा लिया है, दंगा कराने का। आपको ध्यान होगा कि खरगोन के अंदर मस्जिद का फर्जी फोटो जिस पर भगवा ध्वज लहराते हुए दिखाया था, ये दिग्विजय सिंह जी के ऑफिशियल अकाउंट से जारी हुआ था। वो क्या था, दंगा कराने के लिए और अग्रसर नहीं था। तो आप इनको देखो, इनको काजी साहब जिंदाबाद का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद का सुनाई देता है। किस तरह से तुष्टीकरण की नीति है इनकी, ये आप देखिए इनकी चचा जान की, कि ये इस तरह से कांग्रेस के अंदर लोगों को उकसाते हैं। कांग्रेस के लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग और पूरे देश को अब उनके जो बड़े भाई हैं उनने कहा कि ये हिंदुओं का चुनावी हिंदू बनने जा रहे हैं तो मैं अल्पसंख्यकों को उकसा दूं। बस यही था उनका ये नूह का बयान। कमलनाथ जी की चक्की है, ये जितने दावेदार हैं उन सबको ऐसे ही पीसेगी। वो नेता हैं, बिंद से आते हैं, पर कमलनाथ जी की पसंद नहीं है। जो कमलनाथ जी की पसंद नहीं है वो इन औपचारिक बैठकों में आप धीरे धीरे बाहर होते देखेंगे। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहने में नहीं करने में विश्वास करती है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जमाना कह रहा है। 1,36,00,000 लोग अब गरीबी से निकलकर बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस इसे बुराई कर सकते हैं, बराबरी इनका काम ही नहीं है, बुराई करना इनका काम है। और भारतीय जनता पार्टी का काम गरीबों का कल्याण करना है, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस केवल परिकल्पना करती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। दिग्विजय सिंह के 10 साल के राज में गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढे थे ये बता पाना मुश्किल था। उनकी सरकार में बिजली कभी आती नहीं थी, शिवराज की सरकार में बिजली कभी कभी जाती है। भारतीय जनता पार्टी शब्दों में नहीं, कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती है और जिसका परिणाम सामने है। अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है। 1,36,00,000 लोग आज गरीबी से निकल के बाहर आ गए, ये काम है। ये कांग्रेस के लोग बुराई करते हैं, अरे बुराई मत करो, बराबरी करो, निकाल के दिखाओ राजस्थान छत्तीसगढ़ में। लेकिन इनका काम सिर्फ बुराई करना है और भारतीय जनता पार्टी का काम अंत्योदय करना है। हम अंत्योदय के सपने अपनी आंखों में पाले, हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले और लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसी के लिए आज माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। अब अमित शाह जी के कामों को अगर देखें तो एक तरफ से झड़ी लग जाती है। आप इसके पहले के सारे गृह मंत्री ले लो और अमित शाह जी को ले लो, चाहे 370 की बात हो, 35A की बात हो, लद्दाख की बात हो, CAA की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, झड़ी लगी हुई है।
ऐसा व्यक्ति जब मध्य प्रदेश आता है तो वास्तव में कार्यकर्ता हौस फूल जाता है, उसका सीना गर्व से भर जाता है। आधुनिक भारत के लौह पुरुष हमारे बीच आज मध्य प्रदेश में है, पलक पावड़े बिछाकर कार्यकर्ता उनकी अगवानी को तैयार है। जितनी भी परिकल्पनाएं हैं सब इनकी हैं, धरातल पर ये कहीं नहीं है। किया इनने कुछ नहीं है, न 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, अब जो कर देगा तो कहेंगे ये परिकल्पनाएं कांग्रेस की है। बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश में नहीं दिया, अगर कोई कर देगा तो कहेंगे ये परिकल्पनाएं हमारी है। बस ये परिकल्पनाएं हम करते रहे, कल्पनाओं के स्वर्ग में कांग्रेस विचरण करती रही और ये नेता विचरण करते रहे। और जब इनकी 10 साल ये हुकूमत में मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, तो सड़कों में गड्ढे थे, या गड्ढों की सड़क थी या गड्ढम गड्ढा था बता नहीं पाए। बिजली कभी कभी आती थी दिग्विजय सिंह के राज में, आज शिवराज सिंह का राज है, बिजली कभी कभी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।